guys and welcome back to my channel जिसका नाम है English in Hindi. So class 12 students, आज की वीडियो में अपन करेंगे आपकी एक poem जिसका नाम है My Mother at 66 written by कमला दास. So guys, let's begin with the poem. So I will be reading this poem from the book और मैं आपको एक-एक line का मतलब समझाती जाऊंगी. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. पोएट अपनी पोएम को चालू कर रही है लिखना और उन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि आई वॉज ड्राइविंग. ठीक है, हम लोग दोनों जा रहे थे. कौन? मैं और मेरी मदर. कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. और उन्होंने वहाँ पे डे मेंशन कर रखा है कि कौन से स्पेसिफिक डे पे हम जा रहे थे. नेक्स्ट लाइन, मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. फ्राइडे मॉर्निंग को वो लोग जा रहे थे एंड व्हाट शी नोटिस्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया, पहली बार बोल सकते हो या अपन अचानक से जैसे कोई चीज नोट करते हैं वैसे. शी नोटिस्ड हर मदर बिसाइड हर. उन्होंने अपनी मदर को नोट किया जो उनके जस्ट पास में बैठी हुई थी. डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन. उन्होंने क्या देखा कि उनकी मदर का लुक एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी मदर लक कैसे रही थी. डॉज मतलब वो छोटी सी कोई नैप स्लीप ले रही थी वैसी लग रही थी. ओपन माउथ मतलब उनका जो मुंह था वो कैसा था, हल्का सा खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट. एश मतलब क्या होता है? राख. राख कौन से कलर की होती है? ग्रे कलर की. तो उनका जो फेस था वो कौन से कलर का था या वो कैसा कितना डल लग रहा था? एशन लाइक मतलब ग्रेइश फेस लग रहा था. मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है फॉर योर कन्वेंस. ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. मतलब उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट की दो लाइंस में कि मैं उनकी तरफ देखी, मेरे दिमाग में एक अजीब थॉट आया. ठीक है, लेकिन उस थॉट से भागने के लिए मैंने मेरा ध्यान दूसरी तरफ देखा और मैंने क्या देखा, मैंने विंडो के बाहर देखने लग गई. मतलब शी वॉज नोटिसिंग हर मदर हु वॉज सिटिंग राइट बिसाइड हर. ठीक है, जो अपने जस्ट पास में बैठी थी वो उनको नोट कर रही थी लेकिन उनसे वो चीज़ देख ही नहीं जा रही थी बिकॉज शी वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड. She was looking very dull. तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी उनको. तो उन्होंने अपना ध्यान किधर रखा? बाहर, विंडो के बाहर. और वो किधर देखने लग गए? स्प्राइटिंग ट्रीज. मतलब जो ट्रीज अपन गाड़ी में बैठे होते हैं तो जो ट्रीज साथ में तेज तेज निकल रही होती है, जैसे ऐसे लगता है कि ट्रीज साथ में चल रही है, उन ट्रीज पे वो ध्यान देने लग गए जिससे वो अपनी मदर से ध्यान हटा सके. द मैरी चिल्ड्रन. मैरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रन. जो बाहर रोड पे थे, स्ट्रीट पे थे, वो उनको देखने लगी. Spilling out of their homes, but after the airport security check, spilling का मतलब होता है going out. जो अपने घर से बाहर निकल के क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. वो उनकी तरफ देखने लग गए. मतलब एक टाइम पे तो उन्होंने अपना ध्यान अपनी मदर से हटा के कहीं और देखने लग गई. लेकिन but after the airport security check, लेकिन जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक आया, मतलब there is a moment जब आपको चेक सिक्योरिटी चेक वहां पे देना पड़ता है पूरा और फिर आप अंदर जाते हैं. ठीक है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे मतलब मैं मेरी मदर से कुछ ही यार्ड्स अवे मतलब सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पे खड़ी थी. ठीक है, आई लुक्ड अगेन एट हर. मैंने मेरी मदर को एक बार फिर से देखा. मैंने उनकी तरफ एक बार फिर से वापस देखा. वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक. उन्होंने क्या बोला कि वो कैसी लग रही थी? वेन मतलब, वेन का मतलब क्या होता है? कलरलेस. पेल का मतलब होता है नो कलर ऑन फेस. मतलब पेल का पेल मतलब जिसमें कोई कलर ही नहीं है. उनके फेस पे कोई कलर नहीं दिख रहा था. शी वॉज वेरी ओल्ड. ये चीज बताता है कि वो बहुत ओल्ड हो गई थी. ठीक है, और शायद पोएट ये बताना चाह रही है कि उनका जो मदर, उनकी जो मदर है उनका एंड शायद थोड़ा सा पास में है इसलिए वो इतनी वीक, इतनी कमजोर और इतनी डल लग रही है. ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून. यहाँ पे दो सिमिली है. पोएट ने यहाँ पे अभी तक दो बार अपनी मदर को कंपेयर किया है. ऊपर उन्होंने बोला था एज एशन लाइक. ठीक है, वो भी कंपेयर था, वो भी सिमिली थी. यहाँ पे भी उन्होंने अपनी मदर को एज लगा के कंपेयर किया है एज अ लेट विंटर्स मून. तो ये भी आपकी सिमिली. उन्होंने कंपेयर किया है कि लेट विंटर मून की तरह मुझे मेरी मॉम लग रही. एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक. माई चाइल्ड हुड फियर्स बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल.
and smile and smile. उन्होंने क्या लिखा है लास्ट में कि मुझे मेरा वापस से वो ओल्ड फैमिलियर एक मतलब वो डर एज अगर अपन किसी पर्सन से अटैच होते हैं तो वी हैव अ लाइक सॉर्ट ऑफ दिस केयर इनसाइड अस कि हम उस इंसान की बहुत केयर करते हैं ठीक है तो हमें हमेशा एक डर रहता है उनसे अलग होने का उनको छोड़ देने का सेम यहाँ पे पोएट को भी बचपन से एक डर था कि शायद कभी लाइफ में ऐसा नहीं हो कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाए ठीक है तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जब उनकी तरफ देख रही थी तो मुझे वापस से वही पुराना ओल्ड एक मेरा जो दर्द था वो मुझे याद आ रहा था मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख लिया है कंटिन्यूस पेन वो मुझे याद आ रहा था और वो क्या था सेपरेशन फ्रॉम माय मदर और उन्हें लास्ट में क्या बोला लेकिन एक होप के साथ उन्होंने क्या बोला सी यू सून अम्मा मतलब शी वॉज नॉट इवन श्योर मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि मैं मेरी मॉम को या मेरी अम्मा को वापस देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी लेकिन एक होप से एक इच्छा से उन्होंने क्या बोला कि सी यू सून अम्मा कि मैं आपको जल्दी वापस देखती हूँ एंड ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल उन्होंने सिर्फ स्माइल किया अपनी अम्मा को देख के और वो वापस वहां से चली सो गाइस बहुत अच्छी पोयम थी और रिटन बाय कमला दास और इसमें एक छोटी सी इंसिडेंट बताया गया है जो किसी के लाइफ में कितना मैटर करता है सो गाइज ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स बाकी हार्ड वर्ड्स आपकी बुक के नीचे ही लिखे हुए हैं इसलिए मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने जो नहीं थे वो मैंने लिख लिए ठीक है डिस्कस करेंगे इसी पोयम के कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे शायद क्वेश्चन ये नहीं हो लेकिन आंसर वही हो सो आइए जरा डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को जो है आपकी पोयम माय मदर एट 66 में से फर्स्ट क्वेश्चन What were the poet's feeling at the airport? How did she hide them? कैसा लग रहा था उन्हें जब वो एयरपोर्ट पे थी अभी अपन ने पढ़ा कि उनको डर था जब वो सिक्योरिटी चेक करा रही थी कुछ यार्ड्स अवे थी अपनी मदर से उनको ये चीज उनको डर था ठीक है वो बहुत पेन लग रही थी उनकी मदर उनको ये चीज थी कि शायद और वो शायद अपनी मदर को लॉस्ट कर दे और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि शी इज ग्रोइंग ओल्ड सो उन्होंने हाइड कैसे किया था उनको क्या बोल के कि आई विल सी यू सून अम्मा और ऑल शी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तो लाइक दिस उन्होंने अपनी फीलिंग को हाइड किया जस्ट बाय स्माइलिंग लुकिंग एट हर एंड स्माइलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्राइटिंग उनको कैसे क्यों बोला गया ये जब भी अपन एक तेज गाड़ी में होते हैं ठीक है तो जो ट्रीज होती है जो साथ में चल रही होती है वो कैसे दिखती है एकदम फास्ट 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 मूव होती है तो इसलिए उनको बोला गया स्प्राइटिंग कि जब अपन एक स्पीडी कार के अंदर होते हैं तो जो ट्रीज हमारे दोनों साइड होती है वो एकदम ऐसे फटाफट फटाफट क्रॉस करती है ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ साथ चलती है तो कभी कभी अपन उनको भी स्टेयर करते हैं और पोएट वहां पे उनको स्टेयर कर रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज कमला दास ट्राइंग टू पुट अवे The thoughts of her aging mother. वो जब उनकी गाड़ी के पास में उनकी मदर बैठी थी और उन्होंने उनकी तरफ देखा ठीक है कि वो बहुत पेल लग रही है वो एशन लाइक लग रही है वो कलरलेस लग रही है उनका माउथ खुला हुआ है डॉज मतलब बहुत ओल्ड और वो अपना वो बचपन का फियर था उनका कि शायद वन डे आई विल बी लूजिंग माई मदर कि मैं मेरी मदर को शायद खो दूं शायद मैं उनको हमेशा के लिए खो दूं तो उनको वो डर था जो उनके बचपन से था और वो उनको डर आ रहा था बार बार इसलिए उसको उनको वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि नाउ शी इज ग्रोइंग ओल्ड एंड मे बी एक ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं उनको लॉस्ट कर दूं तो वो अपना ध्यान हटाने के लिए गाड़ी के बाहर देख रही थी और गाड़ी के बाद भी वो क्या देख रही थी स्प्रेडिंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रंस मतलब अपना ध्यान कहीं और लगाने के लिए शी वॉज जस्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो बिकॉज उनके लिए वो फैक्ट बहुत डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना कि मेरी मदर जो है शी इज ग्रोइंग ओल्ड एंड मे बी समडे आई विल लूज हर सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस कुछ हार्ड वर्ड्स और आपकी पोएम माय मदर एट 66 एंड आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी सो प्लीज गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड प्लीज लाइक करो मेरी वीडियो को एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी क्वेश्चंस प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग